नमस्कार, आप देख रहे हैं जीसीपी न्यूज। पंचायत सरकार भवन श्रीरामपुर के द्वारा एक कैंप लगाकर किसानों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। इस मौके पर बीओ ने कई कृषि विभाग के आदेश अनुसार, सहकारिता विभाग के आदेश अनुसार, राजस्व विभाग के आदेश अनुसार, बिजली विभाग के आदेश अनुसार हर खेत में पानी सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचित जहाँ भी असिंचित जमीन हो उसमें उनको खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था सरकार करेगी। इसके लिए जैसे नल जल योजना है उसी तरह सरकार ने हर खेत में पानी का व्यवस्था करा रही है। यह योजना जिनको भी आवश्यकता पानी के लिए पड़ेगी, हर खेत में जिनको बोरिंग की आवश्यकता है वो कृपया 31 मार्च तक सब सर्वे करा के अपना अपना नाम लिखवा लेंगे और उनको रसीद के साथ जमा करना है। ये पहला चीज हो गई। दूसरा में ये है कि जिनको बिजली की समस्या है, जिनको बिजली का अधिक बिल लग रहा है उनकी भी कैंप के द्वारा समाधान होगी, या जिनको अधिक जुर्माना जोड़ दिया गया है। नंबर 3 में है सबसे बड़ा मामला आपका अभी धान की अधिक प्राप्ति की चल रही है। धान की अधिक प्राप्ति में आपका 7, 8, 9 तीन दिन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 7 को कल चापी हुआ है, 8 को श्रीरामपुर है और 9 को कल प्रखंड में खुले भर के जो भी किसान रहेंगे उनको ऑनलाइन करा ले रहा है। जिन किसान की 7, 8, 9 तीन दिन जिन किसानों की ऑनलाइन होगी उनकी 11 तारीख से 20 तारीख तक धान की अधिक प्राप्ति होगी। उन किसानों को 48 घंटा में किसान के खाते में पैसा चला जाएगा और उसके बाद 31 जनवरी तक धान की बिक्री मिल का होगा, वरना और फिर मिल नहीं ले पाएगा धान। इसलिए हमारे किसान भाइयों से सभी से अनुरोध है कि 11 से लेकर 20 तारीख के बीच में कृपया आप लोग अपना धान का अधिक प्राप्ति मिल तक पहुंचाने का कार्य करें, चाहे पैक्स के माध्यम से हो या व्यापार मंडल के माध्यम से हो। नंबर चार में सबसे बड़ी समस्या है रेवेन्यू का। हर खेत में पानी का भी समस्या में उसमें सवाल आ जाती है। जमीन दादा के नाम से है, पर दादा के नाम से आवेदक उनका पोता लाभ ले रहे हैं। आज यहाँ 698 डिमांड में 474 जो है क्या डिमांडधारी, अब क्या स्थिति ऐसे समझ लिए। ये हमारे बैरेज कर्मचारी महोदय है, अंचलाधिकारी महोदय का भी आदेश है कि आप गांव-गांव में पंचायत में शिविर लगा के कैंप करके जितना भी मरे हुए की डिमांड है सबको अलग अलग कर दिया जाए सहमति बना करके, ताकि हमारे गरीब किसान जितने भी हैं छोटे छोटे भी किसान हैं प्रधानमंत्री का लाभ ले सके। उस समय तो मिलेगी आप नया रसीद सबको कहाँ से लोग लाएंगे। इसलिए हमारे राजस्व कर्मचारी महोदय से भी गुजारिश है कि इस समस्या को निदान कम से कम आप रहते भर में चापी और श्रीरामपुर का कर दिए, ताकि आपका भी जय जयकार बनते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कृषि विभाग। ग्रामीण एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।